हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी सेशन लैब। मैं अपर्णा जायसवाल। आज मैं आपको एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल पॉलिसी के बारे में बताऊंगा कि एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल क्या होती है और इसको कैसे अप्लाई करते हैं। इसकी सबसे पहले आपको पॉलिसी में आ जाते हैं। पॉलिसी में आने के बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन डिवाइस कंट्रोल दिख जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। आपको ये दिख रहा होगा कि एक ऑलरेडी प्री डिफाइंड एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी बनी हुई है जो कि चार ग्रुप पे अप्लाई है। आप एक और अलग ग्रुप बना पॉलिसी बना के आप पर्टिकुलर ग्रुप पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सिर्फ कस्टम पॉलिसी क्रिएट किया, एक पॉलिसी क्रिएट किया आईटीएस ग्रुप के लिए, और इसमें एप्लीकेशन एंड कंट्रोल पॉलिसी में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलरेडी कई प्रीडिफाइंड एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी बनी हुई है, जैसे कि ब्लॉक एप्लीकेशन फॉर रनिंग, ब्लॉक प्रोग्राम फॉर रनिंग फॉर रिमूवल ड्राइव, ब्लॉक और रिमूवल ड्राइव रीड ओनली, ब्लॉक राइट राइटिंग टू यूएसबी ड्राइव। तो इस तरह के पॉलिसी बने हुए हैं प्री डिफाइंड। तो आप इसको अब जो है चेक करके और अप्लाई कर सकते हैं। और या और एक्स्ट्रा और इसके अलावा रूल सेट आपको बनाने हो तो अलग से रूल सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इनको अप्लाई करते हैं। जैसे आपको कोई एप्लीकेशन या कोई .exe फाइल को ब्लॉक करनी है तो ब्लॉक एप्लीकेशन फॉर रनिंग इसको आप सेलेक्ट करके एडिट में जाएंगे, ब्लॉक दीज एप्लीकेशन, यहाँ पे अब उस एप्लीकेशन को इसमें लिस्टेड करेंगे जैसे कि वो उस एप्लीकेशन को ब्लॉक कर देगा। ऐड करेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल आप न्यू टॉरेंट को बंद करना चाहते हैं, न्यू टॉरेंट .exe सिंपली एक इस तरह का मैंने वाइल्ड कार्ड ऐड कर दिया। या पर्टिकुलर अगर आपको कोई वहाँ की लोकेशन पता हो, जैसे एग्जांपल के बतौर दिया है विन डायरेक्टरी सिस्टम 32 या सी विंडो .exe, इस तरह का अगर कुछ हो तो आप उनको उस बात एग्जैक्ट बात दे के आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। ओके, एक्शन में दिया हुआ है कि उस पर क्या एक्शन होगा, तो ब्लॉक एक्सेस ओके। तो अब क्या है, वो लिस्ट कर दिया और इसको अभी टेस्ट लॉग बन ली। अब इसको इस अप्लाई करने से पहले ओके करने के बाद पहले एक बार आप जरूर टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद फिर इसको आप प्रोडक्शन में लाइए। लाने के बाद ओके कर दीजिएगा तो उस म्यूटोरेंट की फाइल जो है प्रोसेस रन नहीं कर पाएगी, वो ब्लॉक हो जाएगी। इसी तरह जैसे कि आपको ब्लॉक राइटिंग टू यूएसबी ड्राइव इसको भी आप इनेबल करके टेस्ट मर ली और ओके कर सकते हैं। इससे क्या है कि पेन ड्राइव वगैरह या थंब ड्राइव वगैरह जो है वो राइटिंग नहीं होगा, रीड तो होता है लेकिन राइटिंग नहीं होगा। तो इस तरह के काफ़ी बने हुए हैं, तो आप उनको प्री डिफाइंड आप इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कस्टम कुछ रूल सेट क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड होके रूल का नाम यहाँ दे दीजिए। रूल देने के बाद आपको कंडीशन लगाएंगे, रजिस्ट्री एक्सेस अटेम्प्ट, फाइल इंपोर्टर एक्सेस, लॉन्च प्रोसेस अटेम्प्ट, टर्मिनेट प्रोसेस अटेम्प्ट, लोड DLL एक्सेस अटेम्प्ट। तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले ही देखा कि इन सब में कि मैंने आपको देखा ब्लॉक मॉडिफिकेशन तो होस्ट फाइल है, ये देखिए तो इस तरह आप एप्लीकेशन कंट्रोल पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह डिवाइस कंट्रोल में भी होता है। डिवाइस कंट्रोल में
बहुत से डिवाइसेस इसमें प्री डिफाइंड ऑलरेडी लिस्टेड होती है, आप उनको पर्टिकुलर सेलेक्ट करके आप उनको अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसपी को आपको ब्लॉक करना, तो यूएसपी को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे और अप्लाई कर देंगे, तो इस तरह आपका यूएसबी ड्राइव जो है या यूएसबी पोर्ट एक्सेस नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ड्राइव है जो यूएसबी पोर्ट के थ्रू इसको चलाना होता है, तो आप उनको ऐड करके और यहाँ पे एक्सक्लूड लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। एक्सक्लूड लिस्ट में ऐड कर देंगे, ये लिस्टिंग कहाँ से आती है मैं आपको बताऊँगा कि आप ये लिस्टिंग आप अलग से भी सेपरेट भी बना सकते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये डिवाइस की लिस्टिंग कैसे बना सकते हैं। और उसी तरह मैक मैक ओएस में भी है, डिवाइस कंट्रोल में, इसमें भी आप पर्टिकुलर कोई हार्डवेयर वगैरह जो है ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, ओके करेंगे। और ये जो मैंने नया मैं पॉलिसी क्रिएट किया है, इसमें मैसेज आ रहा है कि ये अभी किसी पे इफेक्टेड नहीं है और किसी अप्लाई है नहीं, तो आप इसको अप्लाई कर दीजिए आरटीएस ग्रुप पे एसआई। तो ये पॉलिसी आरटीएस पे अप्लाई हो गया है। तो इस तरह आप एप्लीकेशन एंड डिवाइस कंट्रोल पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं होस्ट इंटीग्रिटी के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द आरटीएस लाइव।